हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी कर रहे थे हम लोग? लास्ट क्लास में हम लोग अपना जो चैप्टर था एडजेक्टिव्स, वो हम लोग स्टडी कर रहे थे, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको वर्क डिल के लिए क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिए थे। ओके, सो क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड क्या करना है इस क्वेश्चन में? Write two adjective to describe the given words. जो इधर given words है या nouns हैं, उनके लिए आपको कोई भी two words use करने हैं उनको describe करने के लिए, ठीक है। So mother, mother के लिए क्या करोगे? Mother के लिए क्या word use करोगे? Tall and beautiful. मम्मी लंबी और सुंदर है, ठीक है। Tall and ब्यूटिफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटिफुल, ठीक है। आइसक्रीम, कोल्ड एंड टेस्टी या कोल्ड एंड स्वीट, ठीक है। आइसक्रीम कोल्ड ठंडी होती है, स्वीट मीठी होती है, एस डब्ल्यू डबल ई टी, कोल्ड एंड स्वीट। हाउस, बिग एंड हाउस कैसे होते हैं? जैसे मेरा घर बड़ा और सुंदर है, ठीक है, बड़ा या अच्छा है, ठीक है। सो माई हाउस इज गुड, जी डबल ओ डी, गुड एंड बिग, बी आई जी, बिग, ठीक है। फोर्थ, मैंगो, फोर स्वीट, ठीक है। मैंगोज कितने? फोर मैंगोज, नंबर दे दिया हमने, ठीक है, मैंगोज के लिए नंबर दिया हमने कितना? फोर, ठीक है। तो मैंगोज एफ ओ यू आर, फोर एंड स्वीट, एंड स्वीट एस डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट। आम चार हैं, कैसे? मीठे हैं, ठीक है। मॉन्स्टर, स्कैरी एंड बैड, मॉन्स्टर डरावने होते हैं, गंदे होते हैं, ठीक है। सो एस सी ए आर वाई, स्कैरी एंड बैड, स्कैरी एंड बैड। ओके, सिक्स्थ, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैसी होती है? कलरफुल होती है एंड ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। सो बटरफ्लाई सी ओ एल ओ यू आर एफ यू एल, कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल, ठीक है, कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। सो क्वेश्चन नंबर सी में क्या किया हम लोगों ने? जो नाउंस हमें दिए हुए थे उनके लिए हमने एडजेक्टिव्स यूज किया है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमने यूज किए हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर डी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। क्या करना है? जो ब्रैकेट्स हैं इनमें से, इधर जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं इनमें से यहाँ फिल अप कंप्लीट करने के लिए सुटेबल आंसर हमें राइट डाउन करना है, ठीक है। क्या करना है? सुटेबल आंसर हमें राइट डाउन करना है। ओके, सो फर्स्ट क्या है? द सन इज डैश इन कलर, ब्लू और येल्लो। सन का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है या येल्लो होता है? सन इज येल्लो इन कलर, सन इज येल्लो इन कलर, वाई ई एल एल ओ डब्ल्यू, येल्लो, सन इज येल्लो इन कलर। सेकेंड, ए मैंगो इज स्वीट और बिटर, ए मैंगो इज स्वीट, मैंगो कैसा है? मीठा है, सो स्वीट, एस डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट, मैंगो इज स्वीट। थर्ड, द अर्थ इज राउंड और स्क्वायर इन शेप, अर्थ कैसी है? राउंड है या स्क्वायर है? अर्थ इज राउंड इन शेप, कैसी है? गोल है ना अर्थ, सो द अर्थ इज राउंड, आर ओ यू एन डी, राउंड इन शेप। ओके, देन फोर्थ, द ऑल इज अ डैश बर्ड, वाइज और स्टूपिड। आउल कैसा होता है? वाइज होता है या स्टूपिड होता है? बेटा आउल जो है वो स्टूपिड होता है, एज अ, ठीक है। सो द आउल इज अ स्टूपिड बर्ड, एस टी यू पी आई डी, स्टूपिड, द आउल इज अ स्टूपिड बर्ड। देन आइस इज हॉट और कोल्ड, बर्फ जो होती है वो गर्म होती है ठंडी होती है? कोल्ड होती है, सो आइस इज कोल्ड, सी ओ एल डी, कोल्ड।
ओके, डॉल्फिन इज अ डैश ग्रे एनिमल, टाइनी और बिग। डॉल्फिन छोटी सी होती है, बड़ी होती है? डॉल्फिन कैसी होती है? बड़ी होती है ना। सो डॉल्फिन इज अ बिग ग्रे एनिमल, डॉल्फिन कैसी होती है? बिग ग्रे एनिमल होती है, ठीक है। देन सेवंथ, आफ्टर इट रेन्स वी कैन सी अ डैश रेनबो, कलरफुल या डल? बारिश के बाद में हमें कैसा रेनबो दिखाई देता है? कलरफुल दिखाई देता है, ठीक है। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। सो कलरफुल रेनबो, सी ओ एल ओ यू आर एफ यू एल, कलरफुल रेनबो, ओके। देन 8, द सन शाइन्स इन द डैश स्काई, ब्लू और येलो। स्काई का कलर कैसा होता है? द सन शाइन्स इन द ब्लू स्काई, सन कैसी स्काई में साइन करता है? स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू। सो ब्लू, बी एल यू ई, ब्लू, ओके। देन 9, द जिराफ हैज अ डैश नेक, लॉन्ग और शॉर्ट। बेटा जिराफ की नेक कैसी होती है? लंबी होती है या छोटी होती है? लंबी होती है ना। सो द जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, एल ओ एन जी, लॉन्ग नेक, ओके। 10th, वी ब्रश अवर टीथ टू कीप देम डर्टी और क्लीन। हम लोग अपने टीथ ब्रश क्यों करते हैं? डर्टी रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए ना। सो वी ब्रश अवर टीथ टू कीप देम क्लीन, सी एल ई ए एन, क्लीन, ओके। सो यहां कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर, सॉरी एक्सरसाइज डी कंप्लीट होती है हमारी यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई एंड एफ इज फॉर योर होमवर्क। एक्सरसाइज ई और एफ क्या है? आपके होमवर्क के लिए है, ओके? आपको होमवर्क में ये सॉल्व करनी है, ओके? बाय।